तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नए जबरदस्त वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा ग्यारह वालों के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है, सेट बी है। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। रात 4 बजे का वायरल पेपर है, आप लोग देख लीजिए, लीक पेपर हुआ है आपका। आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और 100% आपका यही का यही पेपर आएगा। 8:30 बजे आप पेपर देने जाओगे तो आपको ब्रेंच पर यही का यही पेपर दिया जाएगा। 17 अक्टूबर सोमवार के दिन का आपका पेपर है, तो देखते रहिएगा पूरा का पूरा वीडियो को, जरा सा भी स्किप मत करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका पूरा का पूरा अर्थशास्त्र का पेपर, आप लोग देख सकते हो। ये कक्षा 11 वालों का है, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर आपको बताएंगे। पूरा का पूरा पेपर आपको प्रश्न क्रमांक 23 तक का, आपको लास्ट तक पूरा का पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से बताएंगे। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। आप लोग देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रश्न क्रमांक 1। इसमें आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप, प्रश्न क्रमांक 1 में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देख लीजिए, इसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है और इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर का होने वाला है, और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 6 हैं, तो इसमें आपको 6 नंबर इसमें देखने को मिलेंगे प्रश्न क्रमांक 1 में। इसमें पहला है देख लीजिए संख्या की, यहाँ पर देखिए विश्लेषण का विज्ञान है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा गुणात्मक आंकड़ों का, सी में देख लीजिए दोनों एवं बी वाला, दोनों ए एवं बी वाला, ठीक है। इसके बाद बी वाला देख लीजिए मात्रात्मक आंकड़ों का, इसमें से डी वाला देख लीजिए इनमें से कोई नहीं, तो जो भी इसका हो जाएगा वो आपको याद करना है। इसके बाद आपका आता है देख लीजिए यहाँ पर, ये दूसरा, ये आपका तीसरा है, और ये आपका चौथा है, और ये आपका पाँचवा, और इधर ये आपका एक छठवा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर जो पूरे के पूरे जो विकल्प हैं वो आप लोग देख लीजिए। आप लोग चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना, ताकि आप लोग बाद में याद करने में आपको आसानी हो। पूरे के पूरे आपको 6 नंबर मिलेंगे। 17 अक्टूबर का आपका पेपर है, आपको पता है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखते रहिएगा पूरे के पूरे पेपर को, 17 अक्टूबर के आपके अर्थशास्त्र का पेपर कक्षा 11 वालों के लिए। दूसरा आप लोग पढ़ लीजिए संख्या के अर्थशास्त्र क्या है, सॉरी कालिस्थान है, इसमें आपको देखिए जो भी है इस पर लिख देना। इसके बाद दूसरे कौन से आंकड़े, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 स्टार्ट होता है, इसमें आप लोग देखिए सत्य असत्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपके 7 हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होने वाला है, यानी कि इसमें आपको 7 नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला देख लीजिए आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, दूसरा देख लीजिए यहाँ पर सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, इसी प्रकार से तीसरा चौथा पांचवा छठवा और ये आपका 7वां, तो पूरे 7 हैं। आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ठीक है, पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग इतने समझदार हो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक सकते हो। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपके 7 हैं, एक प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होने वाले हैं, 7 नंबर आपको प्रश्न क्रमांक 3 में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 3 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें आपको खाली स्थान देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें आपको देखिए प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर खाली स्थान है, तो जो भी इसका होगा वो आपको करना है, ठीक है ना। वर्ग 15-20 में वर्ग अंतराल 5 है, इसका उत्तर 5 होगा, इसमें 5 ही लिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में याद करने में आसानी हो। इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन 6 हैं आपके, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होने वाला है, और इसमें आपको देखिए 6 नंबर देखने को मिलेंगे। पहला देख लीजिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, APG का अर्थ क्या है, LPG सॉरी। तीसरा देख लीजिए भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोग देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 5 में आपको देखने को मिल रही है सही जोड़ी, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें आपको जो है सही जोड़ियाँ बनाना है, ठीक है ना, ध्यान देते जाइएगा, आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाएंगे। तो देखिए इसमें आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 6 हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के होने वाले हैं, और 6 नंबर आपको इसमें देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री, दूसरे में देख लीजिए सकल घरेलू उत्पाद, इसके बाद तीसरे में कोटा देख लीजिए, भूमि सुधार पढ़ लीजिए आप लोग इस प्रकार से।
इसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ से आता है प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट होता है, मध्य मूल से क्या आशय है अथवा का देख लीजिए प्रश्न वाली कैसे कहते हैं। सातवा देख लीजिए प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने विधियां के नाम बताइए। इसके बाद अथवा का देखिए द्वितीय आंकड़े कैसे कहते हैं। आठवा देख लीजिए सूचकांक की दो सीमा लिखिए। अथवा का देख लीजिए सहसंबंध का अर्थ। नवम देखिए हरित क्रांति क्या है। अथवा का देख लीजिए शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो देख लीजिए छात्रों पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, तो बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहो। वीडियो पसंद आ तो शेयर जरूर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए। प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 सॉरी प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 तक के अथवा तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, या फिर आप लोग इतना इतना वीडियो को अभी रोक लो, इनके उत्तर सर्च करके आप लोग जो है अपना याद करो, ठीक है ना। देखिए बहुलक कैसे कहते हैं, माध्यमिक के दो लाभ, इतना सरल आपका पेपर है। देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 18 के अथवा तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी ले लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 18 तक का। इसके बाद आपका देख लीजिए प्रश्न क्रमांक यहाँ से 19वां है, 20वां है, 21वां। तो आप लोग चाहो तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ के बताएंगे तो वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो जाएगा। पेपर आपका बिल्कुल इजी सरल पेपर है आपका। इसके बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, सॉरी दो लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न क्रमांक 22 में। देखिए समांतर माध्य के गुण लिखिए, ये आपको 4 नंबर देखने को मिलेंगे। अथवा का देख लीजिए इसको आप, ये जो आपको यहाँ पर जो सारणी दिख रही है ना समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये जो आंकड़े हैं ना ये करना बिल्कुल आसान है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, ये हम आपके लिए इतना शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे इसका आंसर। इसके बाद आप लोग 23वां देख लीजिए भारत में आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए। अथवा का देख लीजिए 4 नंबर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से जो है आपका पेपर पूरा का पूरा एंड होता है। अगर आपको वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।